गुस्सा निकाल दिया गया। जी अब्बास सदर हमारे साथ मौजूद है, माहिर कानून है। अब्बास सदर, क्या सजा हो सकती है इन लोगों को जिन्होंने सरेआम तशद्दुद किया है? पहली बात तो ये है कि इसकी वजह भी मैं थोड़ा सा पहले से बयान कर दूं, वजह यही है कि लाकानूनीत है और कानून की अमलदारी नहीं रह गई, अदालतें अपना रोल अदा पूरी तरह नहीं कर पा रही और इस वजह से क्या होता है कि इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होते, सजाएं नहीं होती और इस वजह से इस तरह के मामले होते हैं। दूसरा, हमने सब्र के पैमाने भी छोड़ दिए हैं। जहां तक अगर सजा की बात देखें, नेचर ऑफ इंजरी पर डिपेंड करता है कि क्या नेचर ऑफ इंजरी है। अगर इंजरीज तो हमें नजर आ रही है कि जैसे लहू लुहान कर दिया है सर के ऊपर होंगे, एक तो उसकी ये सजा है। दूसरा ये कि उन्होंने इनको रिस्ट्रेन किया, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट बांधा है इनको, सरेआम इनकी इज्जत जो है उसको भी पामाल किया है, उसके सेक्शन भी एप्लीकेबल होंगे। और मेन जो इसके ऊपर मामला है वो यही है कि इनको क्या इंजरीज आई हैं और इंजरीज के मुताबिक जो भी इंजरीज आई हैं उसके मुताबिक इनकी सजा का तयन किया जाएगा। और क्योंकि वो लॉ में डिफाइंड है, अब जिस तरह की नेचर डिफाइंड करेंगे डॉक्टर साहब इसको देखेंगे, जो इंजरी वो बताएंगे उसके मुताबिक सजा इनको दी। तिबी रिपोर्ट आने के बाद ही मालूम हो सकेगा कि इन लोगों के ऊपर कौन सी दफात लगती है और इनको क्या सजा हो सकती है। नाज़रीन, हमारा एक सेगमेंट हुआ करता है कालाबाग डैम से।